आज हम लोग क्या करेंगे, किसी का भी उम्र निकालेंगे, ठीक है, बस समझे ना। चलो हम लोग सबसे पहले समझ लें कि उम्र निकालने के लिए क्या चाहिए हमको। जैसे उम्र में क्या होता है, एक होता है दिन, एक क्या होता है दिन, दूसरा क्या होता है महीना, और तीसरा क्या होता है साल। तीसरा क्या होता है साल। उम्र निकालने के लिए हमको दिन चाहिए, महीना चाहिए और साल चाहिए। तो महीना दिन में क्या होता है, एक दो तीन चार पाँच दिन, महीना में एक महीना दो महीना तीन महीना, और साल में एक साल दो साल तीन साल, ठीक है। अगर हमको साल से कुछ लेना पड़े महीना को, तो ये क्या देगा, साल देगा। क्या देगा, साल। और महीना से अगर कुछ दिन को लेना पड़े तो ये क्या देगा, महीना देगा, है ना। अगर इसके पास महीना है तो महीना ही देगा ना, साल है तो क्या देगा, साल देगा, है ना। मेरे पास साल है तो हम क्या देंगे, साल देंगे। मेरे पास दस दस रुपया है तो क्या देंगे, दस रुपया देंगे ना। एक रुपया है तो एक रुपया देंगे। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, तो साल, एक साल कितना महीना का होता है, बारह महीना का। क्या होता है, बारह महीना का एक साल, यानी वन ईयर होता है, ठीक है। एक महीना, एक महीना कितना दिन का होता है, इकतीस या तीस दिन का ना, इकतीस या तीस दिन का। लेकिन ये जब भी देगा ना, इकतीस दिन देगा, क्या देगा, इकतीस दिन, ठीक है। जब भी देगा महीना, इकतीस दिन, तीस दिन नहीं देगा, ठीक है, सिर्फ क्या देगा, इकतीस दिन, बात समझ में आ रहा ना। और साल जब भी देगा महीना देगा, एक महीना दो महीना तीन महीना चार महीना, बात समझ में आ रहा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो इसको हम मिटा रहे हैं। अब हम तुम लोग को उम्र निकालने सिखा रहे हैं। जैसे आज क्या है, 20/03/2019, किसी का जन्म हो गया है, किसी लड़का का जन्म हो गया है 20/03/2006 को हुआ है। किसका हुआ है, किसी का भी, राम का हो रहीम का भी हो, इसका ये तुम्हारा आज का दिन है, ठीक है, आज का तारीख है ना, आज का तारीख। और ये क्या है, जन्मदिन, ये क्या है, जन्मदिन, है ना। कोई लड़का का, मान लो रहीम का 20/03/2006 को जन्म हुआ है, तो आज उसका उम्र कितना हो रहा है वो निकालेंगे, ठीक है। चलो हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे इसको, घटाना है, 9 में 6 गया 3, यहाँ 1 में 0 गया 1, 0 में 0 गया कुछ नहीं, 0 2 में 2 गया कुछ नहीं, 3 में 3 गया कुछ नहीं, 0 में 0 गया कुछ नहीं, और ये भी कुछ नहीं। यानी रहीम का जो हो रहा है कितना साल हो रहा है, 13 साल, बस समझ में आ रहा। ये सिंपल हुआ फर्स्ट स्टेप, फिर दो और स्टेप है मेरे पास, कितना साल हो रहा है, 13 साल, ठीक है। अभी जो दिन है उसको लिखना ऊपर, और जिस दिन जन्म लिया है उसको लिखना नीचे, और क्या करना है, घटाना है। साल में साल के साथ घटाना है, महीना में महीना के साथ घटाना है, दिन में दिन के साथ। चलो ये हो गया, ये इजी था, बना लिया। अब चलो दूसरा लेते हैं, ठीक है। अब किसी का जन्म हुआ है 22/5, किसी का जन्म क्या हुआ है, 20/5/2006 को, किसी का जन्म क्या हुआ है, 20/5/2006 को किसी लड़का का जन्म हुआ है। मेरा क्या है, यहां तो घट रहा है, घट रहा है ना, लेकिन ये तीन महीना पांच महीना घटेगा नहीं घटेगा, यहां 20 दिन में 20 दिन तो घट जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये महीना वाला ये साल से लेगा, क्या लेगा, उधारी लेगा, क्या लेगा, उधारी, ठीक है। तो ये 2019 है, ये एक साल इसको दे दिया, ठीक है, यानी 12 महीना दिया, दिया कि नहीं। तो ये 2019 घट के कितना हो जाएगा, 2018, और ये 12 महीना इसको दे दिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस 12, है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2018। तो हमको फिर लिखना है, चलो लिखो, लिखते हैं, क्या लिखेंगे, 20/15/2018, और दिन इसका जन्म इसको यहाँ पर लिखो 20/05/2006। अब चलो घटाते हैं, है ना, इसलिए इसको मिटा के फिर हम लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, ऊपर हम लिखते हैं, ठीक है, ये दिख नहीं रहा है, इसको यहाँ मिटा के हम यहाँ लिखते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं। चलो फिर ये इसको क्या करते हैं, यहाँ तीन था ना, क्या क्या 15 हो जाएगा ना, तो इसको हम मिटा के यहाँ 15 लिखते हैं डायरेक्ट। अब ये क्या था, 2019, क्या हो गया, 2018। चलो यहाँ 18 लिखो,
2018 आप घटा करो, अब 8 में 6 गया 2, 1 में 0 गया 1, ये भी खत्म खत्म, 15 में 5 गया 10 है ना, 20 में 0 गया 0, 20 में 20 गया 0, यानी 10 में ना 12 साल है ना, क्या हो गया 10 में ना 12 साल। चलो अब फिर हम नेक्स्ट निकालते हैं, चलो इसको मिटाते हैं है ना, इसको मिटा दिए, अब दूसरा लिखते हैं 20/03/2019, अब किसी का जन्म हुआ है 25 तारीख को पांचवा महीना 2001 को है ना, किसी का जन्म क्या हुआ था 25/5/2001 को जन्म हुआ है और आज का करंट डेट क्या है 20/03/2019, बस समझ में आ रहा है। अब क्या करेगा, ये 3 में तो 5 घट नहीं रहा है, 20 में भी 25 घट नहीं रहा है, 2019 में 2001 घट रहा है, लेकिन क्या करेंगे, अब ये एक साल दिया तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 12 है ना, हमको इसको घटाने के लिए लेना पड़ा। अब क्या होगा, 20 में 25 घटेगा नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे फिर एक महीना इससे लेंगे, तो जब भी एक महीना देगा तो 31 दिन देगा, क्या देगा 31 दिन, ठीक है। तो अब क्या हो गया मेरा, लिखते हैं यहाँ 20 था 20 दिन, अब यहाँ 31 दिन हो गया, क्या कितना हुआ 51 दिन, कितना हुआ 51 दिन, यहाँ था 12 और 3 15, एक ले लिया कितना बचा 14 महीना, अब यहाँ कितना बचा 2018, फिर इसको नीचे लिखते हैं 25/05/2001, अब इसको हटा दो, 8 में 1 गया 7, यहाँ 1 खत्म हो गया, 14 में 5 गया 0, 9, अब यहाँ कितना 11 में 5 गया 6, यहाँ कितना बचा 4, 4 में 2 गया 2, यानी 26 दिन 9 महीना 17 साल हो रहा है, बस समझ में आ रहा। हम तीन को जो डिफिकल्ट था उसको बता दिए, अब तुम इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, उम्र आराम से निकल सकता है। ये जो दिन तुम्हारा ये आज का दिन है ना, आज का दिन, और ये क्या है जन्मदिन, ये क्या है जन्मदिन, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, नो no।